टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रायगढ़ के महाड में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। बीती रात 10 बजे के बाद भूस्खलन की 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और 30 से भी ज़्यादा लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, चिपलोन, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गए हैं। ये कोंकण का हिस्सा सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है और सबसे ज़्यादा नुकसान कोंकण में हुआ है। राज्य के कई नदियां भी उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना और NDRF की टीमें भी बचाव कार्य में लगी हुई। वहीं कल रात 10 बजे के बाद से रायगढ़ में चट्टान गिरने के अलग अलग 3 घटनाओं में 5 लोगों की जान गई है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रायगढ़ की जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने मीडिया को बताया कि स्थानीय पुलिस ने 15 लोगों को रेस्क्यू किया है, जबकि 30 लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की खबर है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद की बात की है। PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को फोन पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों की चर्चा की और इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। PM नरेंद्र मोदी ने CM उद्धव ठाकरे को बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है।